देख रहे हैं। राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बर। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की शूटर अवनि ने रचा इतिहास, जीता गोल्ड मेडल, और योगेश ने डिस्कस थ्रो में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर रचा इतिहास। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के खिलाफ खोला मोर्चा। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण अंचलों में 20 घंटे तक बिजली बंद रहती है, यदि बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं होती तो 4 दिसंबर को किया जाएगा आंदोलन। जवाब में ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सब ठीक चल रहा है, जबरन का बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। अधिकारी बोलते हैं हमारे पास बिजली है, आंकड़ा बताते हैं, डाटा बताते हैं, डाटा और आंकड़ा से कुछ नहीं होना, यथार्थ तो धरातल। अंकुरण तरु संस्था द्वारा श्रीमती सीमा अग्रवाल जी के नेतृत्व में अशोका पैलेस में किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम। इस संस्था द्वारा लगातार पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए किए जा रहे हैं अनेक प्रयास। छोटी सी सौंदर्य प्रसादन की दुकान चलाने वाली महिला सपना गुप्ता से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद कर जानकारी ली, और इस कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह, सतना कलेक्टर अजय गटेसरिया सहित भाजपा के जनप्रतिनिधि एवं जनमानस रहे उपस्थित। एक तरफ जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश में शराबखोरों के विरुद्ध होटल और ढाबों में छापेमार कार्यवाही चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर शहर के प्रमुख मार्ग रीवा रोड, स्टेट बैंक के सामने, सेमरिया चौक, इंडियन कॉफी हाउस के सामने पुलिस के सामने ही छलकाए जा रहे हैं जाम, और पुलिस के जिम्मेदार देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर सतना के विभिन्न क्षेत्रों में जिले, प्रदेश व देश का नाम गौरवान्वित करने वाले सतना के प्रतिभावान खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किया गया सम्मान। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी। सतना के सभी ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की संयुक्त बैठक हुई सम्पन्न। बैठक की अध्यक्षता TUC अध्यक्ष कॉमरेड TP पांडे ने। युवा कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक में शिरकत करके वापस लौट रहे युवा नेता मकसूद अहमद सेरू का वाहन विदिशा के पास पलटा, उनकी विदिशा के सरकारी अस्पताल में जारी है इलाज। सतना के अशोका पैलेस में निःशुल्क पल्मोनरी मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन, जिसमें अनेकों समस्याओं से ग्रसित लोगों को मुफ्त कंसल्टेंसी एवं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा पदाधिकारी ने सिटी कोतवाली निरीक्षक MS उपाध्याय और कोलगवा थाना प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह को राखी बांधकर उनका मुंह मीठा किया एवं उनकी लंबी आयु की कामना की। नागौर थाना अंतर्गत सेमरिया पिपरोखर में गरीब किसान को दबंगों ने कट्टे की नोक पर गाली गलौज की और मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद। लाठी डंडे और कट्टा लेकर किसान को मारने पहुंचे थे गांव के दबंग। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कोरोना से डरिए नहीं, दूरियां बनाए रखिए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सुरक्षित रहिए। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।